आईपीएल से पहले पांच टीमों को लगा है बहुत बड़ा झटका। इनके पांच बड़े इंडियन प्लेयर्स इस समय चल रहे हैं चोटिल। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1148वां एपिसोड। आज 15 जनवरी की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल को लेकर दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट, बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर हम परोसेंगे। तो एंड तक दोस्तों वीडियो को जरूर देखना, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना। 2023 के आईपीएल के बाद से ही दोस्तों, चाहे 2024 का आईपीएल हो, नीलामी हो, ट्रेडिंग और रिटेंशन हो, आईपीएल से जुड़ी हुई तमाम रिपोर्ट, खबरें, न्यूज, फैक्ट्स, अपडेट्स, स्टोरीज हर रोज सबसे पहले मैं आप तक पहुंचाता हूं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर दो भाई, सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट हिट कर दीजिए दोस्तों और बेल आइकन दबाइए। चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की, आज दिन भर की पहली बड़ी रिपोर्ट और खबर के साथ। तो ये रिपोर्ट आ रही है दोस्तों एबी डिविलियर्स के हवाले से। एबी डिविलियर्स ने आईपीएल 2024 से पहले एक बड़ी प्रिडिक्शन कर दी है। दरअसल दोस्तों एबी डिविलियर्स ने कहा है आरसीबी विल विन द ट्रॉफी दिस ईयर आईपीएल 2024। आई एम क्वाइटली ऑप्टिमिस्टिक, 2024 में मैं काफी ऑप्टिमिस्टिक हूँ, बहुत होपफुल हूँ और इस साल आईपीएल की जो ट्रॉफी है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम जीतने वाली है। हालांकि एबी डिविलियर्स से जब कारण पूछा गया तो एबी डिविलियर्स ने बोला कि भैया देखो, आप किसी भी टीम की जीत हार का कारण नहीं बता सकते, आईपीएल इतनी कॉम्पिटिटिव लीग है कि आप अपफ्रंट आकर ये नहीं बोल सकते कि हाँ यही टीम जीतेगी, लेकिन मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आरसीबी जीतेगी, इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ। तो एबी डिविलियर्स ने अपनी फील बता दी है। देखो यार, एबी डिविलियर्स का जुड़ाव आरसीबी के साथ कोई नया नहीं है, 10-12 साल हो गए हैं, आरसीबी के बड़े लॉयल आदमी है। रिपोर्ट तो ये भी है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के मेंटोर बनने वाले हैं बहुत जल्दी, देखते हैं इस पर आगे क्या खबर आती है। लेकिन डिविलियर्स ने ये जो बयान दिया, इस पर आपकी क्या राय है आप बताओ नीचे कमेंट बॉक्स में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आपसे बात कर लेते हैं दिन भर की दूसरी बड़ी रिपोर्ट की। तो भैया सनराइजर्स हैदराबाद की टीम जीत गई है आईपीएल। ना ना भाई, ये वो वाला आईपीएल नहीं है जो अप्रैल में होने वाला है। दरअसल दोस्तों इंडियन पतंग लीग जो है वो स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर आई थी, जिसमें सभी आईपीएल टीमों की पतंगों ने, काइट्स ने जो है ना वो पार्टिसिपेट किया था, जिसमें भैया सनराइजर्स हैदराबाद की टीम विजयी रही है। बाकी जितनी 9 टीम है उन्होंने एक दूसरे को काट लिया, हैदराबाद बच गई। जो फाइनल हुआ था वो हैदराबाद और आरसीबी के बीच हुआ था इंडियन पतंग लीग का, जिसमें आरसीबी की पतंग को हैदराबाद की पतंग ने काट दिया, तो हैदराबाद जीती है भैया। लेकिन ये जो आईपीएल है ये पतंग लीग है, मेन आईपीएल कौन जीतेगा? डिविलियर्स बोलना है आरसीबी जीतेगी, आप क्या बोल रहे हो बताओ ना नीचे कमेंट बॉक्स में, कारण भी जरूर लिखना, यूट्यूब में कमेंट बॉक्स आपके लिए दिया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तीसरी बड़ी रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। तो भैया इंग्लैंड टूर के लिए इंडिया की स्क्वाड का ऐलान 2 दिन पहले ही हो गया था। रोहित शर्मा जो है वो कप्तानी कर रहे हैं, के एस भरत, जुरैल और के एल राहुल को ऐसे विकेटकीपर लिया गया है, शामी, भूमि पंड्या और सूर्य कुमार यादव, ये चारों प्लेयर्स इस समय स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। तो इंग्लैंड के खिलाफ ये जो टेस्ट सीरीज होने वाली है, जो स्टार्टिंग के 2 टेस्ट मैचेस रहने वाले हैं, इसमें बड़े बड़े इंडियन प्लेयर्स हमें खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। लेकिन जो बड़ी बात है वो स्क्वाड का अनाउंसमेंट नहीं है, ये तो हमने पहले हमारे टेलीग्राम पेज पर डाल दिया था, जब स्क्वाड आई थी तुरंत हमने स्क्वाड दे दी थी अपने टेलीग्राम पेज पर। एंड इसीलिए मैं बोलता हूं कि भैया टेलीग्राम पर ज्वाइन कर रखिए, फॉलो कर रखिए, क्योंकि आईपीएल हो, इंटरनेशनल क्रिकेट हो, इंडियन क्रिकेट हो, पर्दे के पीछे की सारी अपडेट सबसे पहले आ जाती है टेलीग्राम पर। देर मत करना, मैंने अभी भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिए, 65,000 लोग फ्री में परिवार का हिस्सा बन चुके हैं, आप भी ज्वाइन कर लीजिए। स्क्वाड को लेकर बड़ी अपडेट यह नहीं है, बड़ी अपडेट दोस्तों यह है कि भारत के पास T20 वर्ल्ड कप से पहले कोई बहुत ज्यादा सीरीज या लीग्स बची नहीं है, सिर्फ आईपीएल बचा हुआ है। क्या टेस्ट क्रिकेट में भी बीसीसीआई कोशिश कर सकता था अपने कुछ T20 प्लेयर्स को ट्राई करने का, यह भी सवाल है। क्योंकि जब आपके पास सीरीज इंटरनेशनल लेवल की बची ही नहीं है और सिर्फ आप आईपीएल में 5-5, 7-7 मैचों के प्रदर्शन के आधार पर स्क्वाड चुनेंगे, तो क्या T20 वर्ल्ड कप के लिए फुल रूप से भारत तैयार रह पाएगा या नहीं, यह बहुत बड़ा सवाल है। स्क्वाड का ऐलान बेशक हुआ है, लेकिन यह टेस्ट स्क्वाड का ऐलान है और इस समय की जो मांग थी वो टेस्ट सीरीज नहीं थी, वो 1 या 2 बड़ी T20 सीरीज थी। तो इस पर आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, चौथी बड़ी रिपोर्ट की खबर की यहाँ से बात कर लेते हैं। तो मुंबई इंडियंस के हवाले से बड़ी रिपोर्ट है, ऐसा लग रहा है कि रोहित शर्मा और मुंबई इंडियंस के बीच की जो खाई है ना वो बढ़ती चली जा रही है। क्योंकि मुंबई इंडियंस ने एक फोटो पोस्ट की इंडिया की स्क्वाड की, लेकिन जो फोटो पोस्ट की इंडिया की स्क्वाड की उसमें कप्तान रोहित शर्मा की तस्वीर ही नहीं लगाई। ये जो फोटो मुंबई इंडियंस वालों ने पोस्ट की इसमें केएल राहुल की फोटो थी, इसमें जसप्रीत बुमराह की फोटो थी, लेकिन इनके खुद के कप्तान रोहित शर्मा जो रहे हैं उनकी तस्वीर नहीं थी मुंबई इंडियंस के पोस्ट में। तो क्या एक तरह से मुंबई वाले अब धीरे धीरे रोहित से दूरी बना रहे हैं? अभी तक तो यही नजर आ रहा है। हालांकि पिछले साल मैंने आपको बता दिया था कि रोहित शर्मा बहुत लंबी कप्तानी नहीं करेंगे मुंबई इंडियंस की, और उस समय मैंने सूर्या का नाम लिया था कि
सूर्या कप्तानी करेंगे, लेकिन एक साल में सारे समीकरण बदल गए, नए कप्तान हार्दिक पांड्या बन गए। पर अब जो रिपोर्ट और जो चीजें आ रही है ना निकल कर, वो ये साफ साफ क्लियर कर रही है कि शायद ये अंतिम सीजन रहने वाला रोहित शर्मा का मुंबई इंडियंस के साथ, क्योंकि अगले साल मेगा ऑक्शन है। केकेआर ऑलरेडी अप्रोच कर चुका है और मुझे नहीं लगता कि आईपीएल की ऐसी कोई भी टीम होगी जो रोहित को छोड़ेगी। तो ऐसी स्थिति में मुझे ऐसा लगता है भाई कि ये लास्ट सीजन है रोहित शर्मा का मुंबई के साथ, और हमें अगले साल रोहित किसी दूसरी टीम में कप्तान के रोल में भी नजर आ सकते हैं, क्योंकि मुंबई वाले तो अब कप्तानी कराएंगे नहीं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बताओ किस टीम में जाना चाहिए रोहित को, या फिर बनना चाहिए फिर से मुंबई का असली कप्तान? अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। आगे बढ़ते हैं, पांचवी बड़ी रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। वेंडर डसन ने ऐसे 20 में लगा दिए सेंचुरी, आईपीएल नीलामी में नहीं बिके थे, लेकिन अब अपना रास्ता क्लियर कर लिया है भैया आईपीएल में एज ए रिप्लेसमेंट वापसी का। फिल सॉल्ट और वेंडर डसन, अब ये दो ऐसे लोग बन गए हैं जो नीलामी में बिके नहीं थे, लेकिन इस समय वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म में, दोनों विदेशी बल्लेबाज का रोल निभाते हैं, दैट्स वाई नीलामी में भाव नहीं मिला। लेकिन जैसा कि मैंने कहा है कि भैया देखो, आईपीएल में हर साल 10 से 12-15 ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो आईपीएल के दौरान चोटिल हो जाते हैं और उनकी रिप्लेसमेंट की जरूरत हर पड़ती है, ये आईपीएल का इतिहास है, रिकॉर्ड है। और ऐसी स्थिति में आप ये मानकर चलिए और लिखकर रखिए कि बेशक ये फिल सॉल्ट और वेंडर डसन बिके ना हो, लेकिन इनकी एंट्री होने वाली है 2024 के आईपीएल में एज ए रिप्लेसमेंट। अब किस टीम में होगी वो तो टाइम बताएगा, समय बताएगा, आप बता दो कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं, छठवीं बड़ी रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। तो भैया शिवम दुबे ने T20 वर्ल्ड कप और आईपीएल पर बड़ा बयान दे दिया है रिसेंटली, बहुत अच्छे फॉर्म में और हार्दिक पांड्या की कमी महसूस नहीं होने दे रहा है। आपको बता दूं दोस्तों, ऐसे खिलाड़ी की हिंदुस्तान को जरूरत थी, चेन्नई सुपर किंग्स की टीम समय ने तराश रही है, सीएसके की स्क्वाड का भी हिस्सा है और भरोसा जताया है धोनी ने भी चेन्नई में भी, और अब बीसीसीआई भी जता रही है, क्योंकि हार्दिक पांड्या बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं जस्ट बिकॉज कि वो जिस तरह के ऑलराउंडर हैं, जिस तरह की गेंदबाजी स्किल है उनके पास बहुत कम लोगों के पास होती है, और अब कप्तानी भी कर रहे हैं, तो उनकी ताकत को कम करने के लिए उनके जैसा एक विकल्प हिंदुस्तानी क्रिकेट को चाहिए, और शिवम दुबे वो विकल्प बन रहे हैं T20 वर्ल्ड कप से पहले। पांड्या चोटिल भी है, तो भैया उन्होंने बयान दिया, उन्होंने कहा आईपीएल 2024 आईपीएल 2024 विल बी इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर ऑल, मेरे लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुझे भी T20 वर्ल्ड कप में जगह चाहिए। अगर हार्दिक पांड्या नहीं खेल पाए तो शिवम दुबे 100% वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों कि अगर पांड्या खेले भी तो भी शिवम दुबे को बीसीसीआई ले जाने वाली है। आप इस पर अपनी राय जरूर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सातवीं बड़ी रिपोर्ट की खबर की आज से बात कर लेते हैं। तो ये खबर दोस्तों निकल कर आ रही है भारतीय खिलाड़ियों की चोट इंजरी और फिटनेस को लेकर। आईपीएल से तुरंत पहले एक लंबी लिस्ट अब तैयार हो चुकी है उन हिंदुस्तानी खिलाड़ियों की जो इस समय चोट के चलते बाहर बैठे हुए हैं। रीसेंट एडिशन है प्रशित कृष्णा का, रणजी मैच के दौरान लोअर बैक क्वाड्रिसेप इंजरी इनको हुई है एंड उसके चलते इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए थे, स्क्वाड में नहीं चुने गए थे, तो ये एक नया एडिशन है। लेकिन इससे पहले भी सूर्यकुमार यादव चोटिल चल रहे हैं, मुंबई के लिए झटका है। शामी चोटिल चल रहे हैं, एंकल इशू चल रहा है, गुजरात के लिए झटका है। पांड्या चोटिल चल रहे हैं, मुंबई के कप्तान है, मुंबई के लिए बहुत बड़ा झटका है। पंत इस समय अभी तक एनसीए ने क्लियर नहीं किया है, हालांकि दिल्ली वाले बोल चुके हैं अगला आईपीएल खेलेंगे, लेकिन पंत का क्लियरेंस नेशनल क्रिकेट अकेडमी देगी और एनसीए ने अभी तक पंत को क्लियर नहीं किया है खेलने के लिए, ना ही डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने की इजाजत मिली है। तो पंत भी आप बोल सकते हैं कि अभी की स्थिति में 100% कंफर्म नहीं है। रुतराज गायकवाड़ भी इंजर्ड है, फिंगर फ्रैक्चर हुआ था, कहा यह जा रहा है 10 दिन में फिट हो जाएंगे, लेकिन अभी वो भी इंजर्ड है। तो लंबी होती चली जा रही है लिस्ट और प्रॉब्लम है अब नई प्रसिद्ध कृष्णा राजस्थान रॉयल्स की। और मैंने 5 टीमें आपको बताई, चाहे वो चेन्नई हो, चाहे वो राजस्थान के कृष्णा हो, चाहे वो दिल्ली के पंत हो, चाहे वो मुंबई के सूर्या और पांड्या हो, या गुजरात के शामी हो, ये सारी टीमें इन प्लेयर्स के अराउंड रिवॉल्व करती है, और अगर ये प्लेयर्स नहीं खेल पाए तो प्रॉब्लम में सारी टीमें फंसने वाली है। अब आप बताओ दोस्तों, इनमें से कौन खेल पाएगा, किसको खेलना चाहिए, कौन सा खिलाड़ी सबसे ज्यादा जरूरी है, अपनी राय सब कुछ नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना। कमेंट बॉक्स यूट्यूब ने आपके लिए दिया है भाई, तो क्या कर रहे हो, अपनी राय फटाफट लिखो। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, 8वीं बड़ी रिपोर्ट की आज से बात कर लेते हैं। तो ये खबर दोस्तों भारत के हवाले से निकल कर आ रही है। कल इंदौर में भारत ने अफगानिस्तान को दूसरे T20 मैच में भी हरा दिया और यहां से दावेदारी तो बड़ी मजबूत अब भारत की वर्ल्ड कप के लिए लग रही है। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं, जो रिसेंटली स्क्वाड का ऐलान हुआ, इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज नहीं होनी चाहिए थी, T20 सीरीज होनी चाहिए थी, क्योंकि अब आपके 2 महीने भाई सिर्फ टेस्ट मैचों में बीतेंगे और अब आप अपने प्लेयर को कहाँ चेक करोगे, यही तो 2 महीने का टाइम था। आप 2 बड़ी T20 सीरीज कर सकते थे, आप ऑस्ट्रेलिया से कर सकते थे, आप इंग्लैंड तो आई थी इंग्लैंड से कर सकते थे, लेकिन यार ये टेस्ट सीरीज भारत के लिए प्रॉब्लमेटिक बनने वाली है। भारत जीता जरूर है, लेकिन यार देखो प्रॉब्लम है, इंटरनेशनल क्रिकेट हुआ नहीं है। अब आईपीएल में पता लगेगा कैसी स्क्वाड होती है, अभी की स्क्वाड सही लग रही है या नहीं है, तो आप बताओ कॉमेंट बॉक्स नीचे। आगे बढ़ते हैं, 9वीं बड़ी रिपोर्ट की बात कर लेते।
पहले तो केएल राहुल के ऊपर नवीन उल हक ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा फील्स गुड टू बी द पार्ट ऑफ द टीम ही इज लीडिंग। तो भैया नवीन उल हक तो केएल राहुल को सबसे बड़ा लीडर मानते हैं हिंदुस्तानी क्रिकेट का, और लखनऊ के कप्तान है ही वो। आप किसको मानते हो भैया कमेंट बॉक्स में बताओ। मैं तो केएल को नहीं मानता एज ए लीडर, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखना। नवीन उल हक तो मानते हैं भाई, अब नवीन उल हक में अकल नहीं है वो हमें पता है। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं दिन भर की 10वीं बड़ी रिपोर्ट की। तो ये खबर आ रही है ओली पोपे के हवाले से, इंडिया इंग्लैंड टेस्ट सीरीज से पहले इंग्लैंड की टेस्ट टीम के वाइस कप्तान ओली पोपे ने बड़ा बयान दे दिया। बोल रहे वी विल नॉट कंप्लेन इफ बॉल स्टार्ट टर्निंग फ्रॉम डे वन इन द टेस्ट सीरीज इन इंडिया। अगर पहले दिन से बॉल टर्न करने लगी तो हम कंप्लेंट नहीं करेंगे। ओली पोपे ने यह बयान तब दिया जबकि पिछली बार जब भारत की टीम इंग्लैंड गई थी तो वहां पर सीमिंग विकेट मिले थे और भारत वालों ने कहा था कि भैया ये बहुत ज्यादा ग्रीन विकेट है। तो ओली पोपे ने कहा आपके देश में अब हम आ रहे हैं, आप स्पिन विकेट दो भी दोगे तो हम शिकायत नहीं करेंगे। ये तंज था क्या था ये तो आप बताओ कॉमेंट बॉक्स में। ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। यूट्यूब ने कॉमेंट बॉक्स आपके लिए दिया, अपनी राय जरूर लिखना। टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन नीचे फटाफट हिट करके बेल आइकन दबा दो।